तो दोस्तों आपको भी चाहिए 12,000 के अंदर में एक बेस्ट कैमरा फ़ोन, है ना। इसलिए तो आप हो सकता है कि YouTube में सर्च किए हो कि बेस्ट कैमरा फ़ोन 12,000, 10,000 या फिर कुछ भी ऐसा सर्च किए हो, आपको मेरा ये वीडियो आपको मिल गया होगा। या फिर हो सकता है कि आप मेरा एक सब्सक्राइबर हो, आप मैं जब भी अपलोड किया हो आप वीडियो देख रहे हो। जो कुछ भी हो आप इस वीडियो को क्लिक किए हो तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूरत है, मतलब आपको एक फ़ोन ख़रीदना है, आप बेस्ट कैमरा फ़ोन ख़रीदना है, इसलिए तो आप इस वीडियो को क्लिक किए हो, है ना। तो आज मैं आपको इस वीडियो पे चार फ़ोन बताने वाला हूँ, ठीक है, चार ऐसे स्मार्टफोन बताने वाला हूँ जो 12,000 के अंदर में बेस्ट कैमरा फ़ोन होने वाला है। बहुत सारा फ़ोन है जैसे के अंदर में मतलब 14 मेगापिक्सल कैमरा वाला है, मैं 14 मेगापिक्सल कैमरा बताऊँगा तीन फ़ोन, और लास्ट जो फर्स्ट नंबर पर जो स्मार्टफोन बताने वाला हो वो है 64 मेगापिक्सल कैमरा, जो आपको कुछ 12-13 हज़ार के करीब आपको मिल जाएगा। तो कौन से वो चार स्मार्टफोन है जानने के लिए वीडियो को इतना देखते रहना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों फोर्थ नंबर पर जो स्मार्टफोन मैं आप लोगों के लिए चूज़ किया हूँ वो है रियलमी नार्जो 20। जी दोस्तों अब मैं इस फ़ोन की जो मेन हाईलाइट है, मेन हाईलाइट स्पेसिफिकेशन वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। तो रियलमी नार्जो 20 में आपको मिल जाता है एक 6.5 इंच का एक HD+ डिस्प्ले और मीडियाटेक हेलियो G85 प्रोसेसर। अगर प्रोसेसर देखा जाए प्रोसेसर भी आपको अच्छा मिल जाता है, गेमिंग प्रोसेसर। यहाँ पर आपको दो वेरिएंट मिल जाता है, एक 4GB+64GB और 4GB+128GB, और आपको यहाँ पर मिल जाता है 6000 mAh की लंबी बैटरी और 18W का एक फास्ट चार्जर। अगर बैटरी और चार्जर देखा जाए बैटरी चार्जर भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है, और 48 मेगापिक्सल का मेन जो मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा प्लस 8+2। और प्राइस की बात करें तो 4+64 जिसका प्राइस है 10,499 रुपीज़, और 4+128 इसका प्राइस है 11,499 रुपीज़। तो ओवरऑल देखा जाए तो रियलमी नार्जो 20 भी ठीक ठाक है आपको, पर फिर भी मैं इसको प्रोसेसर, अगर प्रोसेसर इस फोन में थोड़ा सा आपको कम मिलता है, और अदर ब्रांड जो जो मैं बताने वाला हूँ अदर फोन में और फोन से थोड़ा सा आपको कमज़ोर मिलता है, इसलिए मैं इस फोन को फोर्थ नंबर पर सिलेक्ट किया हूँ, ठीक है। और दोस्तों थर्ड नंबर पे जो स्मार्टफोन मैं आप लोगों के लिए चूज़ किया हूँ वो है मोटोरोला की तरफ से, मोटोरोला का मोटो जिन 10 पावर। यहाँ पर आपको मिल जाता है एक 6.5 इंच का एक HD+ IPS LCD डिस्प्ले और Qualcomm Snapdragon 460 प्रोसेसर मिल जाता है। ये रियलमी नार्जो 20 से थोड़ा सा बेहतर आपको मिल जाता है, इसलिए आपको मैं इस फ़ोन को थर्ड नंबर पर सिलेक्ट किया हूँ। और 4GB+64GB एक ही वेरिएंट आपको मिल जाता है, और 6000 mAh की बैटरी मिल जाता है, 20W का फास्ट चार्जर आपको मिल जाता है, और कैमरा की बात करें तो 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा प्लस 8+2+2 14 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा आपको मिल जाता है, मतलब चार कैमरा आपको मिल जाता है, ठीक है। और फ्रंट में सामने आपको मिल जाता है एक 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा। अगर प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है पूरा 10,000, ठीक है, 4+64 इसका प्राइस है 10,000 रुपये। और दोस्तों सेकंड नंबर पे जो स्मार्टफोन मैं आप लोगों के लिए चूज़ किया हूँ वो दोस्तों बहुत ही बेहतर दोस्तों फोन है। तो मैं पहले भी एक वीडियो में बताया था कि बेस्ट गेमिंग फ़ोन में भी ये फ़ोन पड़ता है, बेस्ट गेमिंग फ़ोन और कैमरा फ़ोन भी, ठीक है, बहुत ही अच्छा फ़ोन है, वो है Redmi की तरफ से Redmi 9 पावर, ठीक है। यह पर आपको मिल जाता है एक 6.5 इंच का एक फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले। अगर डिस्प्ले वाइज देखा जाए डिस्प्ले आपको बहुत ही अच्छा आपको मिल जाता है फुल HD+ डिस्प्ले इस बजट रेंज में, ठीक है। और Qualcomm Snapdragon 662 का प्रोसेसर मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छा प्रोसेसर आपको मिल जाता है। और आपको दो वेरिएंट मिलता है, एक 4GB+64GB और 4GB+128GB। और आपको एक बार 6000 mAh की एक लंबी बैटरी मिल जाता है, और 18W का चार्जर आपको मिल जाता है, और 14 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 14 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा आपको मिल जाता है, मतलब चार कैमरा, 14 मेगापिक्सल का मेन कैमरा प्लस 8+2+2। और सामने आपको मिल जाता है एक 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा, ठीक है। अगर प्राइस की बात करें तो आपको 4+64 जिसका प्राइस है 10,999, और 4+120 जिसका प्राइस है 11,999। तो ओवरऑल अगर देखा जाए Redmi 9 पावर बहुत ही बेहतर स्पेसिफिकेशन के साथ आपको मिल जाता है, बहुत ही अच्छा फ़ोन है, ठीक है, इस फोन को डेफिनेटली परचेज कर सकते हो आप लोग। और आप दोस्तों फर्स्ट नंबर पर जो स्मार्टफोन मैं आप लोगों ने चूज़ किया हूँ वो है Realme की तरफ से Realme 7i। क्यों मैं इस फोन को फर्स्ट नंबर पर रैंक किया हूँ वो मैं आपको थोड़ा सा बता। यहाँ पर आपको मिल जाता है एक 6.5 इंच का एक HD+ IPS LCD डिस्प्ले और 90Hz का रिफ्रेश रेट। अगर डिस्प्ले वाइज देखा जाए डिस्प्ले आपको अच्छा मिल जाता है, पर आपको सेफ यहाँ पर HD+ डिस्प्ले मिल जाता है, फुल HD हो जाता है बहुत ही अच्छा हो जाता है, पर फिर भी HD+ डिस्प्ले पर और स्पेसिफिकेशन वाइज बहुत ही अच्छा आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको दो वेरिएंट मिलता है, एक 4GB+64GB और 4GB+128GB।
और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर मिल जाता है जो रेडमी 9 पावर में भी था, और 5000 एमएच की बैटरी भी मिल जाता है, और 80 नॉट का फास्ट चार्जर आपको मिल जाता है। और कैमरा की बात करें तो कैमरा आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है दोस्तों, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2, और सामने आपको मिल जाता है एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अगर प्राइस की बात करें तो 4 प्लस 64 इसका प्राइस है 12,000 और 4 प्लस 120 इसका प्राइस है 12,999, 13,000, ठीक है। मैं इसलिए दोस्तों मैं इस फोन को फास्ट नंबर पर रैंक किया हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको प्रोसेसर तो एक अच्छा मिल जाता है और आपको यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। ये कुछ थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस होगा, 12-13 हज़ार के अंदर में शायद हो सकते हैं इसके प्राइस, ठीक है। तो अगर इस फोन को खरीदना चाहते हो तो इस फोन का डेफिनेटली परचेज कर सकते हो क्योंकि आपको यहाँ पर और जो मैं ब्रांड बताए जो फ़ोन बताए वो अब आपको सिर्फ 14 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, पर यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। पर ये शायद पर बाद में इसका प्राइस थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, तो अगर इंक्रीज हो जाए तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि रेडमी 9 पावर इस फोन को आप परचेस कर सकते हो क्योंकि ये 10,000 के बीच में ही है, 10-11 हज़ार के बीच में है, तो इस फोन को आप परचेस कर सकते हो। ये पावरफुल फोन है उसको भी परचेस कर सकते हो। तो ओवरऑल देखा जाए रियलमी 7i बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशन उसके साथ आपको मिल जाता है। तो आपको दोस्तों ये बेस्ट कैमरा फोन वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो अगर आपको थोड़ा सा वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना क्योंकि अब आपको हमेशा जेन्युइन कंटेंट मिलता है, और ये जो दोनों वीडियो आ रहा है दोस्तों जरूर वॉच करना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट किसी और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।